ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर, ये कार्बो का एक कटायन दिया हुआ है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये कार्बो कटायन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? ये जो लोन पेयर है ऐसे यहाँ आ जाए, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला देखो, ऑक्टेट जहां पूरा होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, इस सेकंड में सबका ऑक्टेट पूरा है। कैसे? देखो स्ट्रक्चर, इसको ओपन करके बना लो, सी एच एच एच, सिंगल बॉन्ड ओ ऐसे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी एच एच। देखो अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, चार बॉन्ड बना रखे हैं इसने, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरा ऑक्टेट। ये ऑक्सीजन ने 6 तो बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 3 तो बॉन्ड है तो 6 तो बॉन्ड पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के जरिए आ गए, एक लोन पेयर पड़ा यहाँ पे, हो गए 8 पूरे। इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 2। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस? तो घटता हुआ क्रम बताना आपको। तो देखो क्या है, ये जो कार्बोकैटायन है यहां पे लोन पेयर पड़ा ना इसके ऊपर, ये इसको सप्लाई करेगा नहीं करेगा? करेगा ना, तो क्या बन जाएगा ये CH3, सी डबल बॉन्ड सी एच तो है ही, सी ओ CH3 पॉजिटिव, ये बन गया ना, ये इसका क्या ऑक्टेट हो गया पूरा। तो इसलिए ना ये, इसको पता है क्या कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम, एम मतलब मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है। अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस के जरिए किसी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे तो उसको कहेंगे प्लस एम, प्लस एम कह लो चाहे प्लस आर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्लस एम के कारण ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ओवरराइटिंग हो गई। देखो ये जो लोन पेयर है ना इसके ऊपर, ये इसको सप्लाई कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ ओ सी एच थ्री इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हाइपर कंजुगेशन करेगा, देखो ये दो, देखो ये करूंगा हाइपर कंजुगेशन, सी एच पॉजिटिव सी एच 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 सी एच थ्री, तो ऐसे करेगा ना ये इस तरह से, सी एच 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 पॉजिटिव सी एच, ऐसे कर गया ना ने? ये वाला क्यों करा, ये वाला क्यों नहीं करेंगे? ये 6 है अल्फा एच, ये वाले 3 एच और ये वाले 3 एच, ये 6 के 6 करेंगे हाइपर कंजुगेशन, इसको कहते हैं अल्फा एच। ये सी जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, उसके बगल वाला कार्बन जो है उसके साथ जितने भी एच लगे हैं वो हाइपर कंजुगेशन करेगा, पर ये sp3 होना चाहिए ये वाला। तो यहाँ 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पे भी हो गया हाइपर कंजुगेशन, 3 है ना यहाँ पे, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है 3 एच, ये भी करेगा हाइपर कंजुगेशन, पर क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ही हो रही है तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन आपको बताया नहीं, पर होगा यहाँ पे भी, मैं सारा ही बताता हूँ। यहाँ पे 6 अल्फा एच है हाइपर कंजुगेशन करने के लिए, यहाँ पे 3 तो अल्फा एच है और एक मीजोमेरिक इफेक्ट कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट है ना। यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे मीजोमेरी इफेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में एक देखो लोन पेयर आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, दो सिंगल बॉन्ड लगातार जब आ जाते हैं तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर आया पॉजिटिव चार्ज तो ये प्लस एम इफेक्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन माइनस आई कर रहा है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, तो सिग्मा बॉन्ड के जरिए तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये माइनस आई तो करेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट कर रहा था और इसके पास तो पहले से कमी थी इलेक्ट्रॉन की, ये और खींचे जा रहा है ना, तो फिर क्या होगा, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, थर्ड तो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 अल्फा एच ये रहे, 3 अल्फा एच इसको स्टेबल करेंगे पर माइनस आई इफेक्ट भी है, तो यहाँ पे कौन है, 3 अल्फा एच तो है ही है, माइनस आई भी हो गया एक तो है ना, यहाँ पे भी माइनस आई भी है, यहाँ पे माइनस आई भी है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट इन सबको डोमिनेट कर जाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 2, उससे कम स्टेबल 1, उससे कम स्टेबल 3, 2 1 3 कहीं दिख रहा है, 1 आ गया आंसर। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई फिनाइल मिथाइल कैटायन,
इज गिवन बिलो। ट्राईफिनाइल मिथाइन चलो है, ये बहुत स्टेबल होता है और इसके सॉल्ट महीनों तक स्टोर किए जा सकते हैं। ये इतना स्टेबल क्यों है ये पूछा है, रेजोनेंस के कारण। देखो ये है ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। देखो पहले तो मिथाइल कार्बोकेटायन क्या होता है ये समझो, ये हो गया मिथाइल कार्बोकेटायन। तीनों एच हटाके फिनाइल लगा दो, फिनाइल ये ग्रुप फिनाइल होता है, ये एक ग्रुप फिनाइल होता है, तीन लगा दिए तो बन गया ट्राई फिनाइल। अभी रेजोनेंस करेगा, करेगा ना रेजोनेंस, बहुत सारे रेजोनेंस। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे ना यहाँ पे, ये यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर इधर जाएगा, यहाँ आ गया पॉजिटिव, फिर इधर जाएगा, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये फिर से वापस आएगा, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब ये इस रिंग में घूम के आया, इसमें भी घूम के आएंगे, दोनों में बहुत सारी स्ट्रक्चर बन जाएंगी। जितनी ज़्यादा चार्ज डीलोकलाइजेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अगला। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कार्बोकेटाइन्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2-मिथाइल ब्यूटेन। हाँ देखो जरा, एक सेकेंड, CH3, CH, CH2, CH3 बन गया ना। सो 1, 2, 3, 2-मिथाइल ब्यूटेन हो गया ना। अब इसमें कौन कितने कार्बोकेटाइन बना सकते हो, जितने टाइप के एच हैं। कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, यहाँ से एक एच निकाल के तो बनेगा। मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ एच, देखो कहाँ कहाँ से निकाल सकता हूँ एच में, यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से बनाऊँ, यहाँ पे मैं 1 लिख लूँ, 1, 2, 3, 4 हटाता हूँ पहले, तो रुको, तो नंबरिंग क्यों करनी है उसकी, छोड़ो, 1, 2, 3, 4 कुछ और लिखता हूँ मैं। देखो मैं यहाँ से एच हटा सकता हूँ, यहाँ से भी हटा सकता हूँ, एक ही बात है, यहाँ से एच हटाऊँ, यहाँ से एच हटाऊँ, बात तो एक ही है, सेम ही कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से हटाऊँ तो दूसरे टाइप का, यहाँ से हटाऊँ तीसरे टाइप का, यहाँ से हटाऊँ चार, चार टाइप के बनेंगे, चारों बना दिए, यहाँ से हटा दिया है ना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, चार बन गए ना। यस अब इस ये बन ये मैंने चारों यहाँ बनाए हुए। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर देन 1 डिग्री। ये क्या है, ये समझाता हूँ मैं आपको। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, 3 डिग्री ना कार्बन की डिग्री होती है, कार्बन की डिग्री होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये कार्बन की डिग्री होती है। कैसे पता चलती है, एक कार्बन और कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री होती है। अगर कोई कार्बन किसी एक कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है उसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, अगर कोई कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, अगर कोई कार्बन आगे 3 के साथ कनेक्टेड है उसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, मतलब अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो 4 डिग्री कार्बन। जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1, 2, 3 के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, और इसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के साथ, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ एक के साथ, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये वाला कार्बन है एक के साथ सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री, ये 2 के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली 2 के साथ कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ये होता है 3 डिग्री, ये होता है 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। अब ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। कैसे, देखो पहले आपको हाइपर कंजुगेशन से समझाता हूं मैं। हाइपर कंजुगेशन कौन करता है, ये इसके बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, उसके साथ जो एच लगे होते हैं वो हाइपर कंजुगेशन करते हैं। तो ये इसके पास कितने एच है इस तरह के, दो, दो अल्फा एच है। यहाँ पे इसके पास कितने एच है इस तरह के, तीन, तो ये रहे, एक ये रहा, कितने हो गए, चार हो गए ना, चार अल्फा एच, तीन अल्फा एच, तो ये रहे, एक अल्फा एच ये रहा। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैरिंग है, एक अल्फा एच है तो एक अल्फा एच हो गया, यहाँ पे तीन, तीन छः, दो आठ, आठ अल्फा एच हो गए। देखो जितने ज्यादा आप एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ लगाते जाओगे उतना अल्फा एच भी तो बढ़ते जाएंगे ना, तो उतनी डिग्री बढ़ती जाएगी कार्बन की, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये कारण है। 3, 2, 1, तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे, इन दोनों में सबसे कम होगा।
फिर उसके बाद है कि इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप ही है, CH3 अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस साई ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, तो इसके पास कार्बोक्रैन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके आसपास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसको सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसको स्टेबल करेंगे, तो 3 डिग्री में ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, 2 डिग्री में उससे कम लगे होते हैं, 1 डिग्री में और कम लगे होते हैं, तो इसलिए 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इसके रीजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ 3 डिग्री है ये वाला, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री ये वाला। अब इन दोनों में से कौन है ये देखना पड़ेगा। देखो तो ये इसका ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट ले, याद कर लेना ठीक है। मैथ्स का कॉलम करना है, ये क्या है, ये प्लस है, हम देखो ये कार्बोकैटायन है, इसके बगल में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन करे, तो ये इसको सप्लाई करेगा नहीं करेगा, प्लस सेम इफेक्ट हो गया, तो स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस, प्लस सेम मतलब रेजोनेंस ही हो गया ना, रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जा रहा है ना, डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ देखो सुनो, कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बोकैटायन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना ये ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन ये खींच भी तो रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींच भी रहा है सप्लाई भी कर रहा है, तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, और ड्यू टू रेजोनेंस इसको स्टेबल कर रहा है, ए और बी आ गया, हालांकि इसका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। अगला ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा सेकेंड का आंसर सिर्फ बी आएगा भाई, सी एफ एफ एफ, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नहीं, ये भी तो करेगा करेगा, देखो यहाँ पे इसके पास ये है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन इसके, ऐसे खींचेगा तो क्या कर रहा है, इस पर कमी कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट हो गया ना, माइनस आई के कारण इसको अनस्टेबल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे सप्लाई भी तो कर सकता है, अपने ऐसे कर सकता है ना सप्लाई लोन पर अपना, तो ये करेगा स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ए भी आएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों आएंगे, रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज भी करेगा इसको, ठीक है ना, लोन पे रहना उसके पास, तो इसका दोनों आएगा सेकंड का ए और बी, ठीक है, रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई के कारण इसको अनस्टेबल कर रहा है, यहाँ पे क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को तो क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कोई तब इसको, देखो स्टेबलाइजेशन कब आती है चार्ज के डिस्पर्शन से, डीलोकलाइज होना चाहिए चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में फैले तब तो स्टेबल होगा, लेकिन ये तो कौन से ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप है, प्लस साई ग्रुप्स हैं सारे ये, तो ये तो और सप्लाई करेंगे इसको, तो फिर स्टेबलाइज नहीं कर रहे उसको, अनस्टेबल कर रहे हैं वो, तो ये डी स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, फिर ये क्या है, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल हो गया ना ये वाला, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबल हो रहा है, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp3 है, और इसके साथ एच भी लगे हैं, 6 अल्फा एच है इस पे, तो ये हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टेबलाइज्ड भी है, तो सी और डी आ गए इसके।